ये बाइक में ना नंबर प्लेट है, साइलेंसर भी चेंज है, आपकी भी नहीं है। तुम गाड़ी चलाते हैं, बाद में नाला में मत घुसाओ। जो भाई है ना भाई, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जो बाबा तो सनम हेरी। तो गाइस, आप सभी तो मेरा पहले वीडियो देख लिया होगा, जो अभी नया देख रहा है वो सब देख लीजिए मेरा पिछला वीडियो। तो मैं ट्रैवलिंग करता और आज के वीडियो वैसे तो मैं राइड पे जा रहा है, राइड पे बाइक माने बाइक में मैं अकेला जाएगा और एक दोस्त आने वाला है वो कार से आएगा। और एक बार बता दूं कि जो बाइक में आज चलाना है वो मेरा कजिन का है, तो उसका जरा बाइक का दिखा देगा, उसका बाइक कैसा है उसका जरा वो दिखा देगा, क्योंकि उसका साउंड मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप, मैं भी सोचा कि आप सभी को भी एक बार वो बाइक का झलक दिखाना। वैसे तो कल बाइक को धुलाया है, बहुत क्लीन से धुलाया है, बहुत फ्रेश लग रहा है आज बाइक। उसके बाद उसका पीछे ब्रेक भी खराब था, उसको पीछे ब्रेक को भी लगाया है, तो आज तो पूरा फिट है। तो आज ही ट्रेनिंग था जाने के लिए, तो कल में इधर अपना होम टाउन निकल जाएगा। वैसे तो अभी ईटानगर पे है, तो होम टाउन में जाने से पहले एक वीडियो बना लेगा आके दोस्तों के साथ, थोड़ा राइड वो बाइक का राइड दिखा देगा आप सभी को। तो आगे मिलते हैं, अभी सीधा मेरे दोस्त के घर जाते हैं और वहां से सीधा होनोंगी निकलते हैं राइड के लिए। ओके गाइस, सी यू देयर। गाइस ये देख सकते हैं अभी निकल रहा है, तो बाइक को अभी मैं दिखाऊंगा। भाई ये रहा, देखिए R15 version 4 रेड इन कलर, बट दिस देयर इज नो नंबर प्लेट। सो गाइस, और इसके देख सकते हैं एक्रो प्रोबिक मेन, तो ये गाइस आज के मेन रोल इसका है गाइस। तो वैसे तो गाइस आप सभी को अभी इसका जो एग्जस्ट साउंड है वो नहीं दिखा सकेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत जो घर मालिक है वो थोड़ा एलो नहीं करता है, क्योंकि ये ज़्यादा नॉइस थे उसके कारण सबको डिस्टर्ब होगा। तो आप सभी को डायरेक्ट जहाँ पे राइड करने जा रहा होलोंगी में, वहाँ पे डायरेक्ट सीधा दिखा देगा आपको इसका साउंड, इसका बाइक का स्पीड ये सब दिखा देगा, क्योंकि अभी यहाँ पे हम कर दिया से दूसरा लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो हर चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है। तो अभी दोस्त के वहाँ जाएगा, उसके बाद दोस्त के वहाँ जाके दूसरा दोस्त को पिकअप करिए, आप सभी को दिखा देगा ये सब। तो आगे मिलते गाइस, चलो गाइस अभी मैं दोस्त का वहाँ सीधा निकल। तो गाइस निकल रहा है दोस्त आमदन अभी यहाँ से। वैसे तो अभी मेरा साथ जो ये है ना, ये फिटिंग ला, तो आप सभी को पहले भी बताया था, मेरे जो यहाँ का जो नोट है वो नहीं है। तो अभी एक दुकान में पूछने जाएगा, बहुत सारे दोस्त को पूछा है पर किसी के साथ भी नहीं है। तो अभी सीधा मेरे दोस्त अंदर निकल जाएगा दुकान, वहाँ पे पूछ लेगा वहाँ पे है ना नहीं है, क्योंकि बिना इसका तो मैं मोटर व्लॉगिंग नहीं कर पाएगा। तो गए सीधा आगे मिलते हैं। दोस्त के काम से आया हुआ है और टिक पुलिस स्टेशन के सामने रुके, और ये बाइक में ना नंबर प्लेट है और साइलेंसर भी चेंज है, आरसी भी नहीं है। और दोस्त वहाँ पे उसका कुछ सामान भैया का जो लेते हैं उसको देने आए, उसका भैया भी शायद वहाँ पे मछली जाता है। तो गैस लकीली मुझे मिल गया, पहले बार पूछा था वो दीदी जो बैठा हुआ है उससे पूछा था, पर वो ने बोला था कि नहीं है, पर अभी नया न्यूली स्टॉक में आ गया, तो आई एम सो लकी टू गेट दिस। तो अभी मोटो व्लॉगिंग में कर सकते हैं। और तो गैस कौन, अरे आगे देगा, सोच रहा था हो जाएगा इस्लाम दारी जा रहा। तुम गाड़ी चलाते है, हमको बाद में नाला में मत घुसाओ दे। हाथ भी यूज नहीं करता है, पाव में ऐसे, पाव से ऐसे ऐसे डांसर लोग है ना। 2000 years later guys, आखिरकार अकेला हुई क्या? जो दोस्त जाना था, जो गाड़ी लेके आ रहा था, वो दोस्त का भी ऐसे हो गया कि उसका माँ जो कुछ बीमार है तो हॉस्पिटल जाना है बोला, तो अभी वो भी नहीं जा सकेगा बोला है, तो अकेला हो गया। और एक दोस्त भी आना था पर ये दोस्त नहीं जा रहा है, तो वो दोस्त भी नहीं आ पाएगा, तो फिलहाल तो अभी सोलो राइड ही बचा है। होप क्या था,
बहुत थक गया था, दोस्त लोगों को बुलाएगा, साथ में जाएगा हल्के राइड के लिए, पर लास्ट में कुछ सबका अपना अपना काम होता है, कुछ नहीं तो अभी तो सोलो राइड ही हो रहा, अपना राइड होगा, अपना अकेला राइड होगा। तो वैसे तो मुझे कल होमटाउन जाना है, तो इसलिए अभी मुझे एक वीडियो तो आप सभी के लिए बनाना ही था, ये बाइक के लिए भी। तो वैसे तो साउंड सुन सकते हैं, बाद में अच्छा से साउंड को सुना देगा, अभी वीडियो में भी आप सभी को सुनाई देगा, क्योंकि अभी मैं राइड करेगा, इतना बात तो नहीं करेगा, अभी सीधा राइड करेगा। तो कृपया करके आगे कुछ पुलिस चेकिंग मत हो, पुलिस चेकिंग होने से मेरे लिए तकलीफ हो जाएगा। वैसे तो अकेला बहुत इतना ख़ास नहीं लग रहा, पर भी सोलो राइड अकेला कभी कभी राइड करना चाहिए, मज़े होगा। तो वही अकेला में वही थी कि मैं अभी जितना स्पीड भगा सकता हूँ, पीछे वाला नहीं, पीछे में अगर कोई होता तो परेशान होता, अगर पीछे में कोई भी नहीं तो परेशान नहीं होगा। ठीक है गाइस, इतना बात नहीं करेगा, आगे में मिलते हैं, अभी थोड़ा बहुत थोड़ा झलक देख लो ये बाइक का। साउंड कैसा लग रहा है वो कमेंट में जरूर बताना। यहाँ पे थोड़ा माटी माटी है, इसके कारण थोड़ा मैं नर्वस लग रहा है, स्लिप होने के बाद स्लिप होने के बहुत चांसेस है, अगर थोड़ा भी काट मारा हो तो। यहाँ से घर सीधा एयरपोर्ट निकलता है, तो यहाँ में रोड थोड़ा प्लेन है, तो अभी ट्राई मंगा के देखते हैं यहाँ पे कितना उठेगा। अभी तो 123 समथिंग होता था, अभी देखते हैं कितना उठे। जाने के लिए अलाउ नहीं है शायद, इसलिए मैं वापस घुमाएगा, या तो अलाउ नहीं है ना घुसाने, घुसाने अलाउ है। सर एक राउंड मार सकता है, नहीं मार सकता है। अच्छा तो गाइस ये एयरपोर्ट है, यहाँ से एयरपोर्ट जाते हैं, अभी अलाउ नहीं है यहाँ पे घुसने के। अब सभी लोग अभी देख ही लिया होगा मैं कैसे चलाया, हाँ वापस आते वो इतना भाग तो नहीं रहा था, और मुझे एयरपोर्ट में भी जाने के लिए अलाउ नहीं है। तो गाइस अभी आप सभी को अच्छा से इसका साउंड सुनाई देगा, इसका जो एग्जस्ट है उसको सुनाई देगा आप सभी को। तो इतना मेरा आवाज आप लोग जितना भी ड्राइविंग करते समय, ड्राइव करते समय आप लोग को कुछ बोला है वो सब सुनाई नहीं दिया होगा, उसके लिए माफी चाहता है, क्योंकि मैं जल्दी में अपना जो माइक सेटअप है उसको लगा देगा। तो चलाने तो बहुत मज़ा आया, पर मुझे मेरा जो चश्मा था ये सब हेलमेट पहना है, इसलिए मुझे इतना और इतना बराला में एक देखा बफर जैकेट पहना है, तो इसके लिए मुझे इतना महसूस नहीं हुआ स्पीड का। तो थोड़ा स्पीड तो चल रहा था, साउंड पर इतना लाउड था कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, तो इसको जो सुन रहा है उसको अच्छा लग रहा है ना नहीं लग रहा है वो तो पता नहीं, तो आप सभी को थोड़ा दिखा देगा इसका एक बार इस तरह से। नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो दोस्त लोगों के साथ आएगा, उसमें आप लोगों को अच्छा से दिखाएगा, तो आप लोग मेरे बाल को भी देख सकते हैं, हेलमेट पहन के ऐसा हो गया। तो इतना अभी इतना बढ़िया से आप लोगों को वीडियो नहीं दिखा पा रहे, पर नेक्स्ट टाइम जब आएगा तब अच्छा से दिखा देगा आप लोगों को। तो अभी देख सकते हैं इसका लुक्स ऐसा कुछ है, चलाने तो काफ़ी अच्छा लगा, बढ़िया लगा, क्योंकि ये सब R1 जो है इसका जो बड़ा मॉडल है वो सब का दोरा बॉडी स्ट्रक्चर है, चलाने में काफ़ी अच्छा है, वही स्पीड में थोड़ा कम है,
साउंड तो बहुत है, साउंड के कारण बहुत स्पीड लगता है, पर अभी चला के देखा तो इतना स्पीड नहीं लगा मुझे, क्योंकि इतना हवा मुझे। ओ आपको वो बोल रहा था कि मैं रात में एक बार ड्राइव करने निकलेगा, रात का जो मोमेंटम है वो सब का सभी को दिखाएगा। तो रात में क्योंकि ऐसा होता है कि रात में ज़्यादा लाइट होता है, अंधेरा होकर लाइट ज़्यादा होता है, तो काफ़ी सुंदर लगता है जो व्यू है, तो वो सब आपको दिखाएगा। और रात में तो ये बाइक तो मत पूछो गाइस, अभी भी चमक रहा है रात में, तो और शाइनिंग दायर स्टैंडर्ड दिखाई देगा। वैसे R15 में तो R15 लुक्स में तो बहुत ज़्यादा हाई है, लाइक प्राइस के हिसाब से लुक्स इसका देखिए, लुक्स देखिए ना इसका, प्राइस हिसाब से लुक्स देखिए गाइस, ऐसा मिलना तो बहुत मज़ेदार है, सुंदर है गाइस। वैसे तो हेलमेट और ये बाइक बहुत मैच कर रहा है, और मेरा ड्रेसिंग देखिए, मेरा ड्रेसिंग भी थोड़ा बहुत शायद मैच कर रहा है इसके साथ, थोड़ा ब्लैक और ब्लैक ब्लैक रेड काफ़ी मैच कर रहा है। तो रात का एक बार दिखाएगा आप सभी को, क्योंकि रात में तो मुझे भी एक्साइटेड है, रात में एक अलग ही मज़ा फील लगता है अगर ड्राइव में जाता है तो बाइक सभी का। वैसे भी मैं जिम के बाद तो एक बार लॉन्ग ड्राइव के लिए तो जाता है। हेलो गाइस, वैसे अभी जिम करके हो गया तो यहाँ आया था भाई हमें, तो ये मेरे दीदी को हेल्प करने वाला है, हम लोग के साथ बैठते हैं, तो इसको अभी हम पूछा कि सीधा नाइट राइड पे निकल जाएगा आप सभी को। और अभी हम मेरा जो स्वेटर है उसको नहीं पहनेगा, क्योंकि आप सभी को पहले बताया, आप सभी को आज बताया था कि जो वो सब पहनने से इतना बाइक का जो हवा है ना वो सब महसूस नहीं होता, अभी बिना उसका स्वेटर का जाएगा तो महसूस करके देगा कितना भागता है, पर हेलमेट तो जरूर पहनेगा क्योंकि कुछ भी हो सकता है, रिक्स। तो अभी इसको पहुँचा लेने के बाद मैं सीधा राइड पे निकल जाएगा, ठीक है जाएगा ना अभी घर ना, ओके। चलो ठीक है जाओ ना, हम तरह वीडियो बना के आएगा। चलो काफ़ी ठंडा है, वैसे विंटर सीजन भी है। वैसे तो मैं सोचा था स्पीड में एक बार हवा चेक करेगा, बिना स्पीड के मुझे इतना हवा लग रहा है कि चेक हो गया है कि तो गाइस अभी हालत इतना लग जाएगा, वहाँ तक थोड़ा स्पीड से चलाएगा और सभी लोग देखा। स्वेटर में पहन ही लेगा, बिना स्वेटर तो मैं नहीं सकेगा। सोचा तो बिना स्वेटर चलाएगा पर नहीं होगा हमसे। जितना भी अरुणाचली बाइकर्स लोग हैं वो लोग शायद मालूम होता होगा, एक पास बैंक तिनाली का जब छराई उठता वहाँ पे भी स्पीड चलाने काफ़ी मज़ेदार है, क्योंकि एक होता है कि स्पीड इतना नहीं जा रहा होगा पर जिस वहाँ में वैसे तो एग्जस्ट जिसका साथ है वो सब भी महसूस कर सकेगा जिसका लेकिन मैं जब वहाँ से उतर रहा होता तो इतना स्पीड तो नहीं होता है बाइक जो, पर जो साउंड है वो जो बहुत कस के आता है तो साउंड सुनने में काफ़ी अच्छे लगते हैं।
बताने भूल ही क्या, यहाँ पे टनल में क्यों चलाने भरे हल्के, रोड भी ठीक हो गया, आना चल भी क्यों भरे हल्के, ये टनल के भीतर में रोड भी ठीक है, उसके साथ में यहाँ में एक टनल है, आप सभी को अभी टनल का मजा कराएगा। टनल के वहाँ पे साउंड इतना रस के आता है कि आप सभी लोग सो हो जाएगा, सो यहाँ पे आके एक बार तो एक बार ईटानगर में आके राइड करने मन लगेगा, जो भी अरुणाचल से नहीं है वो सब तो जरूर आने मन करेगा यहाँ पे, क्योंकि इतना राइड कर लेने का, जब ये टनल के अंदर घुसता है ना एग्जस्ट वालों को पसंद आ जाता है, उसका एग्जस्ट एक बार सुना के गाने तो अभी सुना नहीं जा रहा मैं, काफ़ी लोग इरिटेटिंग हो सकता है, पर अभी यही एक जगह है जहाँ में मैं अपना इसको सुना सकता है। तो गाइस चलाए वो सब फील कर सकते हैं, जो नहीं चलाए फील करो, अभी फील नहीं करेगा तो कब करेगा गाइस। हाँ वहाँ से आगे से घूम के वहाँ से काट लेगा, बस आजकल पुलिस लोग भी बहुत ध्यान देते हैं, सामान भी जाना इतना सब कुछ दिखा दे, आप सभी को थोड़ा तो मज़े लगा होगा, मैं तो बाइक को ही दिखाना, बाइक का स्पीड, बाइक का जो वाइप है, ये सभी आप सभी को शेयर करना था, निधिल में कहीं रुक के खाना पीना ये सब तो नहीं दिखाया, ये वो सब इतना फर्क नहीं पड़ता, आप सभी को ये सब दिखाने की फर्क पड़ता है। वीडियो इतना ही था, ओ वैसे आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करें, और आप सभी ये बाइक का ऑनर को अगर मेरा जो कजिन है उसको देखने मन है तो कमेंट जरूर नहीं होगा, और कमेंट करें उसको देखने मन है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ला देगा, अगर आप सभी को इंटरेस्ट है उसको देखने में, तो क्योंकि कभी कभी होता है कि ऑनर कैसा है ये सब देखने मन है, तो अगर देखने मन है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और आगे वीडियो देखते रहना मेरा, और आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आया तो आगे देखते रहिए, अगर पसंद नहीं भी आया तो प्लीज़ आगे भी देखते रहिए, सर की सपोर्टिंग है, और मैं भी आप सभी के लिए वीडियो बनाते रहेगा, अभी रुकेगा नहीं, अगर आगे बढ़ ही गया तो रुकना नहीं, उठते रहिएगा गाइस, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, वीडियो जैसा भी हो आप लोगों का सपोर्ट मिलने से हो गया गाइस, तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, काफ़ी तक जैसी भी चलाया था। Thank you for watching my video. See you in the next video, guys. Bye, guys. Love you, guys.